गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आज तो रक्षाबंधन एंड हो गया, सब हैप्पी होंगे, सब खुश होंगे, है ना? सब अपने अपने सिस्टर के यहाँ गए होंगे, भरपूर मज़ा आया होगा। अब मज़ा भी आता है, फेस्टिवल है, बहुत दिनों जो दूर रहते हैं तो एक मौका मिलता है कि अपने बहन से हम जा के मिलें, है ना, अपनी बात शेयर करें, बहुत खुशी मिलता है। बहुत खुशी मिलता है जब अपन अपने परिवार के लोगों से अपन मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काम तो डेली करना है, बट एक दिन जो अपन अपने परिवार के लिए निकालते हैं, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, मम्मी पापा के लिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुकून मिलता है। वो चीज़ पैसे से नहीं मिलता, वो चीज़ कभी पैसे से नहीं मिलेगा, है ना? तो आप लोग बहुत मज़ा किए होंगे। अब क्या है, कुछ मैं टॉपिक कर आया था, इसके जो कल मैं वीडियो बनाया था उसमें मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का 17 तक क्वेश्चन मैं करा दिया था, मतलब 17 तक। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ कि एक चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। आज एक बार वीडियो देखना, उसके बाद खुद सेल्फ प्रैक्टिस करना, तब जाके मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक चैप्टर ऐसा अपने को प्रैक्टिस बार बार करना होगा। एंड आईआईटी शर्मा ऑब्जेक्टिव ले लेना, अगर जो आईआईटी नीट का तैयारी, आईआईटी का तैयारी करते हैं, एनडीए का तैयारी करते हैं, वो आईआईटी शर्मा का ऑब्जेक्टिव लेना और इस चैप्टर का क्वेश्चन करना। जो नहीं आवे हमसे पूछना, जो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं वो आरडी शर्मा का बुक खरीदना, बोर्ड के लिए ओनली, ऑब्जेक्टिव मत खरीदना, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो ना आवे वो आप मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको करा दूंगा वो क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, है ना, मैसेज कर सकते हैं आप। क्या है आप देखोगे, आप कुछ बच्चे आ गए, एग्जैक्ट टाइम पर आते हैं, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब आते हैं डिस्टर्ब करने। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 18 नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है ये अपन देखे क्या लिखा गया है, है ना, इनका कोई काम धंधा है नहीं। एक क्वेश्चन है अपना, इनके जगह पे आप चिपका दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या लिखा है, टू साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब देखोगे इन भाई को यू ही लिख दो, इसके परे दो है, इसके परे क्या है, माइनस वन है, तो दो में से माइनस वन क्या, वन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इन दोनों भाई को अपन ऐड करेंगे तो एक होगा, एक को कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में तो लिख दो, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये अपने को याद होने का, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, tan x प्लस a, ये आंसर है, आप चिपका लो 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, ये देखो है क्या, 19 का क्वेश्चन अपन करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना, ये चिपका लेना आप, खुद प्रैक्टिस करना, हार्ड कुछ नहीं है, सब आसान है, है ना, ए है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाकर काम चलता है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन है अपना 19 नंबर, 19 में लिखा है वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है, इस वन के जगह पे अपने को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स चिपका देना है,
और डिवाइड में क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब ए लिखा। यहां कितने भाई है, दो भाई है, दोनों भाई को अब क्या करो, सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, दोनों भाई को अब क्या कर दो, अलग अलग कर दो। जो ये दोनों भाई हैं, दोनों भाई को अब क्या करो, अलग अलग कर दो, क्या कर दो, अलग अलग कर दो। उससे क्या होगा, देखो एक भाई है, एक भाई को खा जाए, क्या बचेगा, साइन एक्स, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ कर दो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस, ये दो भाई हैं, इनके दो भाई काट दो, क्या बचेगा, वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपन क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स हो जाता है, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स प्लस, इनको टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, टू अपॉन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन टू एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स, ए बन जाएगा। अब देखो क्या है, आपन क्या करेंगे, इसके लिए टैन एक्स को टी मान लो, पुट टैन एक्स इक्वल टू टी, और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो एक चीज अपने को यहां दिख रहा है, इनके जगह पे क्या चिपका दो आप, टैन एक्स को अपन टी माने, टी चिपका दो, इनके जगह पे आप क्या चिपका दो, डी टी चिपका दो प्लस, टू ऊपर मल्टीप्लाई में रहने दो, बाहर निकाल दो टू को, ए जो साइन टू एक्स है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक टू एक्स इंटू डी एक्स। यहां एक भाई है, यहां एक भाई है, कितने भाई हो गए, टू भाई, जो टू है पावर उसी से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे प्लस टू। ये जो कोसेक टू है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए अपने को समझना है ना, ए जो कोसेक टू एक्स लिखा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ऐसा होता तब अपन क्या करते, अगर साइन टू एक्स था, यहां तो अपन साइन टू एक्स का फॉर्मूला बता दिए, एक काम और कर सकते थे अपन, इसको साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड कर सकते थे, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उससे भी अपन कर सकते थे, वो भी एक कंसेप्ट है। पहले आप इतना चिपका लो, उसके बाद इसको अलग अलग तरीके से मैं करके दिखाता हूं कोसेक्स टू एक्स का, पहले इनका चिपका देता हूं, टी के जगह पे क्या है, टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस टू कोसेक टू एक्स इंटू डी एक्स, और कोसेक्स टू एक्स का इंटीग्रेशन मैं बताता हूं, पहले ए आप चिपका लो, अलग अलग करके मैं बताता हूं, तो पहले आप इनको क्या करो, चिपका लो ढंग से कि क्या है, अपने को कैसे करना है ए समझवाना चाहिए, तब तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, यहां तक चिपका लो आप। उसके बाद देखो है क्या, मैं बताता हूं, यहीं से मैं टर्निंग कर देता हूं, ए लेने की जरूरत नहीं है, दोनों मेथड है, इसका फॉर्मूला दिया होगा, आप चिपका सकते हैं डायरेक्ट उठा के, बट क्या है, मैं थोड़ा इनको मैं वो कर देता हूं, आसान बनाता हूं। देखो क्या है, एक क्या लिखा है, लिखा है टू से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, ऐसे ऐसे था ना, ए था, हमारे दिल में आया इसको कॉस से डिवाइड करो और कॉस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाता, कॉस इंटू कॉस कॉस, दो फॉर्मूला बता देंगे, दो तरीका अभी खटाखट,
अब देखोगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, कहीं भी वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर हो जाएगा। टैन एक्स को अपन क्या करेंगे टी मान लेंगे, चाहे कुछ भी मान लो, पी मान लो टी मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी पी। ए आप इनके जगह पे क्या चिपका दो डी पी चिपका दो, और डिवाइड में क्या आएगा पी आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग पी, और पी अपन क्या माने हैं पी अपन टैन एक्स माने, टैन एक्स तो पी के जगह पे क्या चिपका दो टैन एक्स, ए आ गया प्लस सी। तो देखो एक फॉर्मूला याद रखना आप काम आ जाएगा, इनका जो इंटीग्रेशन होगा इनका लॉग, मैं यहां बता देता हूं कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग टैन एक्स, याद रखना मेरे भाई ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको चिपका लेना, चिपका ही लेना, क्या होता है लॉग टू एक्स, इनके जगह पे अपन ए चिपका सकते हैं डायरेक्ट टू प्लस टू, इनका इंटीग्रेशन होगा लॉग टैन, डायरेक्ट ये चिपका दो टू टू हटा दो टेन एक्स प्लस सी, आंसर आ जाएगा। इनके जगह पे आप क्या चिपका दो ए चिपका दो लॉग टेन एक्स, ये आ गया अपना आंसर। ये तरीका है करने का, ये सीख लेना, ये भी आसान तरीका है, या तो फार्मूला डायरेक्ट याद करके रखो या तो एक कंसेप्ट सीख के रखो कि अपन कैसे करेंगे। दोनों मेथड आपको बता दिया, फार्मूला भी याद करने का, तरीका भी करने का कैसे अपन करेंगे, ये दोनों चीज मैं आपको बता दिया, चिपका लो। अब 20 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया क्योंकि आज तो कंप्लीट करा देना है, बहुत हो गया ड्रामा। हो गया इस भाई के जगह पे आप ए चिपका दो, इनको आप ऐसे चिपका दो, ए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार अपन माइनस करेंगे, इनसे ये प्लस वाला है ना एक भाई कट जाएगा, क्या बचेगा अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है डिनोमिनेटर इसको टी पुट करो, क्या पुट करो टी, इसका डिफरेंशिएशन करो, कॉस का होता है माइनस साइन, साइन का होता है कॉस इंटू डी एक्स इक्वल टू डी डी। अब देखो शायद यही दिख रहा है यहाँ, इनके जगह पे क्या चिपका दो इस डी टी वाई को चिपका दो और डिवाइड में क्या जाएगा टी, ये हो जाएगा लॉग टी,
प्लस ए। टी अपन क्या माने थे? टी अपन माने थे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ए चिपका लो, ए आंसर आ गया, ए आप चिपका लो ध्यान से, तो इसको भिंगाओ सही से साफ होगा। अब दो क्वेश्चन और है, 21 और 22, 23, 24 चुटकी डॉट कम का है, ए चिपका लो आप। देखो ये थोड़ा अलग है, हट के ये क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका है, वो तरीका क्या है, साइन एक कोस को है ना, साइन में चेंज कर दो। कैसे चेंज होगा? पाई बाय टू प्लस एक्स कर दो, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, इनसे एक कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय टू प्लस एक्स इंटू डी एक्स। एक बार दोनों भाई को अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा पाई बाय टू इंटू एक्स, यहाँ कितने भाई दिख रहे हैं, दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ए आंसर आ गया 21 का। अब है 22, ए इम्पोर्टेंट है, ए ध्यान से करना। ए क्वेश्चन है क्या, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ए क्वेश्चन आप करना, ए इम्पोर्टेंट है, यही है ये, एक करें कैसे, ए देखो सबसे पहले इस भाई को अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे साइन ए माइनस बी माइनस ए से, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। ए कहानी है इसमें, ए सबसे टर्निंग पॉइंट है, थोड़ा अलग है। उसके बाद आपन क्या करेंगे, इस भाई को ऐसे लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर ऐसे लिखते तो ए तो कट जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी आएगा। अगर यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, तो ठीक है, यहाँ आप ए लिख दें और यहाँ आप बी लिख दें। अब देखो हो गया, इनको ओपन करेंगे, बी माइनस ए आएगा आंसर। नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ए आ गया। अब देखो ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी
कॉस ए, ए फॉर्मूला होता है। इसको तो आप इरेज कर लिए हैं, अब देखो क्या करेंगे, इनको तो बाहर ही रहने दो, इनका कोई काम नहीं है। इसको है ना इस फॉर्मूला पर अपन चिपका देंगे, साइन ए कॉस बी वाला, साइन ए, ए के जगह पे क्या है एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, बी के जगह पे क्या है एक्स माइनस बी, माइनस साइन बी मतलब एक्स माइनस बी इंटू कॉस ए मतलब एक्स माइनस ए, और डिवाइड में क्या है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स ए। अब इन दोनों भाई को है ना अलग अलग कर देंगे अपन, क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप करना है ना, एक क्वेश्चन आप जरूर करना, दो बार तीन बार, नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं होगा, 100% एक क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाओगे, ए फिक्स है। इनको इरेज करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टी एक्स था, मैं आगे कर देता हूं, यहां माइनस का साइन है तो माइनस लिखो, देखोगे इस भाई से ए भाई चले जाएंगे, इस भाई से ए भाई चले जाएंगे, बचेगा क्या ये देखो, यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी, डिवाइड में क्या आएगा कॉस एक्स माइनस बी, और अपने को मालूम है इंटीग्रेशन टैन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको टी मान लो ए आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, ए होता है इंटीग्रेशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग सेक एक्स प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, इसको टी मान लो और इनका डिफरेंशिएशन करो, ए क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा लॉग टी। अब देखोगे ये तो मैं सिखा दिया कंसेप्ट डायरेक्ट चिपकाने का, डायरेक्ट मैं भी चिपका देता हूँ, अब देखो क्या, चलो मैं इधर करता हूँ पूरा इरेज करके, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ऐसा ही है, ए यहाँ तक लिखना है ना, इनको इरेज करता हूँ मैं, एक लाइन में लिखूंगा पूरा, तब मजा आएगा। ए है वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, यहां माइनस का साइन है माइनस वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इसका हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो क्या ये दोनों सेम लिखा है, इनको बाहर ही चिपका दो, क्या बार बार लिखे दो जगह,
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लो और ये माइनस में है तो माइनस वाले को बाद में लिखो। ये आ गया फॉर्मूला, हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, तो दोनों किस में है डिवाइड में। इसको अपन ऐसे लिख देंगे लॉग कॉस एक्स माइनस बी डिवाइड कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। ये आ गया अपने आंसर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आप दो बार तीन बार इस क्वेश्चन को करना, यही टर्निंग पॉइंट है। एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, अगर थोड़ा भी हम बोर्ड में इधर उधर हुए, माइंड थोड़ा भी इधर उधर गया, आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, आंसर अपना आएगा नहीं। और एक क्वेश्चन अकेला हाफ एंड आवर खा जाएगा और आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये प्रैक्टिस से ही माइंड में चिपकेगा, दूसरा कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो तुम्हें चिपका दे। ये करो। और दूसरा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये 22 नंबर क्वेश्चन मैं करा दिया, अब तो पप्पू वाले क्वेश्चन है, ये चिपका लो। और 23 है 24 है, दो क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है। और ये चैप्टर हुआ कंप्लीट है ना, अपन अब 7.4 का क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस है ना। ये तो कंप्लीट करा दिया, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखा। ए है क्वेश्चन, इन दोनों भाई को मैं अलग अलग कर दूंगा ऐसे। बीच में माइनस है तो यहां माइनस डालो, इनसे ए कट जाएगा, इनसे ये कट जाएगा। ए बच्चा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 23 हो गया 24। इनको टी मान लेना, इसका इंटीग्रेशन करो, ई का पावर एक्स है इनको बाहर चिपका दो, इनके जगह पे आप क्या चिपका दो, देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, डीटी चिपका दो, क्या चिपका दो डीटी, डीटी अपॉन कॉस टी, कॉस टी, बट कॉस का क्या है स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डीटी, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी, और यहाँ क्या है टी है, और टी अपन क्या माने थे, इधर आंसर मैं लिख देता हूँ। और इसी बात पे ये चैप्टर हुआ कंप्लीट है ना, आंसर आ जाएगा टेन, टी अपन क्या माने थे,
ई का पावर एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर। आप चिपका लो, कोई भी डाउट है आप हमसे पूछना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।